वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री. एक्सप्लेनेशन जस्ट एंड आई विल डिस्कस द पोयम विद यू. आई होप यू विल लिसन विद फुल केयर, केयरफुली. द पोएट इज गीव पटेल, वेरी वेरी यू नो नाइस पर्सन एंड अ वेरी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, पोएट, प्ले राइट, a great person. And this poem is also important in that sense it has two main ideas. First of all, children, it tells us that trees should not be cut. One thing, we should not cut the big trees. Trees have life like us, just as the main idea. And because this is a poem, we can take the other side also, and in the other way our meaning has been just given to us. The tree has been symbolized with a vice, burai. Just as if there is some vice, we should cut it very very deeply with the roots, because a disease or a vice is like a tree. What type of a tree is that has very deep roots? And if we cut the branches, the vice will come again. बुराई को यदि हमें खत्म करना है बच्चों, तो उसे जड़ से खत्म करना है. जैसे कि इस पोयम में बताया गया है कि यदि आप पेड़ की ब्रांचेस को काट देंगे, उसके तने को काट देंगे, तो भी वो जो पेड़ है वो उग आएगा. उगाता है कि नहीं उगाता? नीचे से छोटे छोटे उसके जो है ब्रांचेस आ जाते हैं, ट्विग्स आ जाते हैं. तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसे ही बुराई है. यदि हम ऊपर ऊपर से हटाएंगे उसको तो वो नहीं जाएगी. तो क्या है, निप द इविल इन द बड. बुराई को बिल्कुल ही आरंभिक स्टेज से, जड़ से खत्म कर दो. कैसे खत्म कर दो, ये पूरा इस पोयम में पढ़कर हमें पता चलेगा. ऑन किलिंग अ ट्री, तो इसका एक ये भी अर्थ है बच्चों. आपको दोनों ही सेंस में इसको समझना है. ये जो मैंने आपको बुराई वाली बात बताई है, ये बिल्कुल एक नया आइडिया है जो हमें बताया गया है. तो आप दोनों ही आइडियाज पेपर में लिखकर आएंगे. फर्स्ट तो आप ये लिखेंगे, द इविल, द वाइस, वी आई सी ई, हैज बीन कंपेयर्ड विद द ट्री दैट शुड बी रूटेड, दैट शुड बी कट विद द रूट्स. एंड द सेकेंड आइडिया इज, द सेकेंड आइडिया इज द ट्रीज शुड बी सेव्ड, बिकॉज ट्री इज नॉट एन ईविल. प्लीज इसे कंफ्यूज मत हो ना कि जो पेड़ है वो एक बुराई है. पेड़ बुराई नहीं है. पेड़ को कंपेयर किया गया है कि यदि हम बुराई को जड़ से नहीं खत्म करेंगे. कैसे जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि जो बुराई है वो जड़ की तरह फैल जाती है. यदि हम उसको बिगनिंग में सोचें कि चलो अरे ऐसे हट जाएगी, जो है आरंभिक स्टेज है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे खत्म कभी नहीं होगी. उसको आप बिल्कुल ही जड़ से खत्म करो. कैसे खत्म करो, जैसे इस पेड़ के लिए. तो बेटा ये मैं समझाऊंगी आपको, आप ध्यान से समझना. और हाँ, यदि आपने अभी तक रश्मि मैडम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जरूर कर देना, लाइक भी करना. तो चलिए अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. देखिए, एक पेड़ को काटने में बहुत ज्यादा समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब, एक जो चाकू का सिंपल जो वार है वो जो है इसको नहीं काट पाएगा. जैब क्या होता है बेटा, सडन रफ ब्लो, एकदम से जो है काटना, वो नहीं काट पाएगा. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ,
क्योंकि क्योंकि इसने जो है अर्थ को अर्थ से इसने बहुत ज्यादा जो है ये जो है अर्थ से अपनी एनर्जी लेकर जो है ये बड़ा हुआ है, इसने अर्थ को कंज्यूम किया है, उसी से ही पालित पोषित है। राइजिंग आउट ऑफ इट, धरती से ही ये बड़ा हुआ है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, और फीडिंग मैंने वही फिर से पोषण कहां से लिया है, क्रस्ट धरती की सतह से, और एब्जॉर्ब क्या क्या है, शोषित क्या क्या है, एयर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट लिए है, एयर ली है, वाटर भी लिया है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। अब देखिए लेप्रस हाइड, लेप्रसी क्या होती है बेटा, आपको पता है जब कोढ़ हो जाता है उसको लेप्रसी जो है डिसीज कहते हैं, और यहां पर पेड़ पर तरह तरह के जो है चिकत्ते से बन गए हैं, निशान से बन, ब्राउन कलर का होता है ना, अजीब सा लगता है, हाइड मैंने कवर, तो उसमें से स्प्राउटिंग लीव्स आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताती भी रहूंगी कि लेप्रस जो है ये वास्तव में कोढ़ के लिए यूज किया जाता है, और यहां पर हमने ट्री के लिए यूज किया है, तो एक मेटाफर है यहां पर, क्या है आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है, और इसकी उस जो है लेप्रोस हाइड में से स्प्राउटिंग लीव्स आ रहे हैं। तो ये जस्ट मैं आपको इसका हल्का सा फिर से एक बार इसकी जो है आपको जस्ट एक सिंपल मैं आपको बता दूंगी कि सिंपल जैब जो है वो एक पेड़ को नहीं काट सकता। इट टेक्स मेनी इयर्स फॉर ए ट्री टू ग्रो एंड राइज, इट इज डीप रूटेड इन द अर्थ। तो ये इसका जस्ट जो है आपका एक पहले का एक जो है आपकी समरी है, ठीक है। और जो है हियर अ ट्री सिंबलाइजेज अ डीप रूटेड ईविल, ईविल मैंने बुराई। अब आप आ जाइए सेकंड स्टैंजा पर, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा, थोड़ी ये पोएम बाकी पोएम से अलग है इसलिए जरा बेटा जरा इसको ध्यान से आप समझिएगा। अब आप आ जाइए सेकंड स्टैंजा पर। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू इट, हैक आपका मीनिंग फिर कट रफली, चॉप मैंने कट इन टू पीसेस, रफली अटैक करना और पीसेस में काटने से ये पेड़ जो है खत्म नहीं होगा। दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, जितनी मर्जी जो है इससे इसको कोई पीड़ा भी नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड, जो ये ब्लीडिंग बार्क, अब देखिए यहां फिर आपका मेटाफर आ गया, और ब्लीडिंग बार्क एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब आपके कॉन्सोनेंट सेम आ जाते हैं, जैसे बी और बी आ गया ना, सेम हो गए, और ब्लीडिंग बार्क क्योंकि ब्लीडिंग जो है ये ह्यूमन ट्रेट है, और यहां हमारा जो है ये मेटाफर के रूप में हमने इसको इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट हमने कह दिया है। जो इसका अब ब्लीडिंग क्या, जो एक सैप आता है, एस ए पी सैप आता है, जैसे भी आप देखो किसी भी पत्ते को तोड़ोगे या तने को तोड़ोगे तो जैसे पानी पानी सा निकलता है ना पेड़ में से, तो उसको हम सैप कहते हैं। तो यहां पर पोएट ने क्या कहा है, ब्लीडिंग, उस सैप को क्या कहा है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बार्क जो है ये फिर से हील हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज ग्रीन ट्विग्स, और जब ये धरती के जो पास से जो है क्या होगा, छोटे छोटे आपने देखा भी होगा बेटा, कभी ध्यान से देखना, पेड़ के जो बिल्कुल जो धरती के पास होता है वहां पर ग्रीन कलर की जो है थोड़ी कर्ल मैंने मुड़ी हुई ट्विग्स मैंने, जो छोटे छोटे से जो पत्ते आगे से होती है ना छोटी छोटी शाखाएं, और मिनिएचर बोज, और उस पर क्या होता है बेटा, ये जो छोटे छोटे आपके जो ये पत्तियां होती हैं और जो ये आपकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं ये वहां से उग आती हैं। मिनिएचर, मिनिएचर मैंने छोटी छोटी, बोज मैंने शाखाएं, और यदि उसको इफ अनचेक्ड, यदि आपने चेक नहीं किया, विल एक्सपेंड अगेन, फिर से फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज, पहले साइज की तरह। तो मैं एक बार आपको फिर से इसकी समरी में बता देती हूँ, वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिए थे है ना। तो यहां पर जो है ये देखिए मिनिएचर मैंने छोटे फॉर्म के लिए कि जो ये वेरी स्मॉल कर्ल ग्रीन ब्रांचेस हैं बेटा, ये दे विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड क्लोज टू द प्लेस वेयर अ ट्री हैज बीन हैक्ड और चॉप्ड, और दीज ब्रांचेस दे स्प्राउट फ्रॉम द ग्राउंड, दे विल अगेन
get their former size if they are not checked. तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा कि यदि इसको चेक नहीं करते हैं हम छोटे छोटे उनको तो फिर से वो बड़ा हो जाएगा. अब आ जाइए आप थर्ड स्टैंजा पे. नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. कि हमें क्या करना है, ये नहीं कि शाखाएं काट दी, टहनियां काट दी, पेड़ खत्म हो गया. नहीं, हमें एक रस्सी से उसे खींचना होगा. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रस्सी से खींचना होगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कैसे कैसे पेड़ को, कैसे पेड़ को, अब द अर्थ को हमने यहां पर एंकर कहा है, जिसने कि इसकी जड़ों को एंकरिंग की हुई है, कस के मजबूती से जकड़ा हुआ है. ऐसे पेड़ को रॉप्ड रस्सी से बांधकर, टाइड मैंने बांधना, रस्सी से बांधकर पुल्ड आउट खींचना है. स्नैप्ड आउट, जोर लगाकर हमें उसको खींचना है. चॉप्ड करना है. पुल्ड आउट एंटायरली, तो ये पहला तो थर्ड आपका आसान ही था, इसी में ये चल रहा है. पुल्ड आउट एंटायरली, पूरा जोर लगाकर उसको हमें खींचना है आउट फ्रॉम द अर्थ केव. कैसे, कौन सी अर्थ में से बेटा, जो केव की तरह हो गई है. कैसी, क्योंकि जब जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्थान घेर लेती हैं, और जब हम उन जड़ों को हटाएंगे तो धरती में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, उसको हम अर्थ केव कहते हैं. उस धरती में से जिसने जड़ों को जकड़ा हुआ है, हम उस को कसकर रस्सी की सहायता से पकड़कर उस पेड़ को खींचेंगे. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, स्ट्रेंथ मैंने ताकत, उस समय पेड़ की ताकत का पता चलेगा, कितनी ताकत है इस पेड़ के अंदर. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. ये वाइट किसको कहा गया है, वेट किसको कहा गया है, ये बेटा रूट्स के लिए कहा गया है, जो जड़ें इतने टाइम से जो अर्थ केव में रही, वाइट कलर की हैं, गीली हैं, सेंसिटिव हैं, छिपी हुई हैं, हिडन हैं, बहुत टाइम से जो धरती के अंदर रही हैं, अर्थ केव में रही हैं, धरती ने जिन्हें एंकर किया हुआ है, ऐसी जड़ों वाले पेड़ को हमें जो है रस्सी से खींचना है. तो देखिए इसके अंदर दो दो आपके आइडियाज आ रहे हैं कि ऐसे ही हमें बुराई को भी जड़ से खत्म कर देना है, ऊपर ऊपर से नहीं. ऐसे कोई बीमारी हो वो भी ऊपर ऊपर से नहीं, उसको हमें पूरी तरह से खत्म कर देना है. अब आ जाइए आप लास्ट स्टैंजा पर. वर्ड मीनिंग मैंने आपको बेटा बता ही दिए हैं. एंटायरली मैंने कम्प्लीटली, अर्थ केव मैंने जो धरती जो गुफा की तरह है, स्ट्रेंथ मैंने ताकत, एक्सपोज मैंने पता चलना, बिल्कुल आसान वर्ड मीनिंग है. अब आप आ जाइए लास्ट स्टैंजा पर. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज डन. तो उसके बाद क्या करना है, अब आपने पेड़ को तो उखाड़ लिया जड़ के समेत, उसके बाद आप क्या करेंगे. आप देखिए स्कॉर्चिंग का मतलब होता है एकदम से ड्राइंग अप द ट्री. स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मैंने ड्राइंग अप, उसको पूरी तरह से सुखाना, उस पेड़ को हम पूरी तरह से सन में और एयर में बाहर डालेंगे. इससे क्या होगा, जब हम डाल देंगे तो जो पेड़ है बिल्कुल ही ब्राउन सा हो जाएगा, भूरा सा हो जाएगा, और बिल्कुल ही हार्ड भी हो जाएगा, बहुत ही सख्त टाइट उसकी जड़ें हो जाएंगी, एकदम से बिल्कुल ही एकदम से ठूंठ सा हो जाएगा. ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, बिल्कुल ही टर्न राउंड होगा वो पेड़, एकदम से मुड़ेगा, और विदरिंग मैंने मुरझा जाना, और पूरी तरह से वो मुरझा जाएगा. और अब आप समझ जाना बच्चों कि पेड़ जो है अब हमारा खत्म हो चुका
है। तो देखिए जो सोर्स है, जो रूट्स हैं, जो धरती के अंदर जो बहुत टाइम तक रही हैं, और ऐसे पेड़ को हमें उखाड़ना है, सन और एयर में हमें बेटा इसको सुखाना है, और ये ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जो ये रूट्स हैं, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है एक पेड़ का होते हैं, इसको आपको ये चीज अच्छी तरह से बेटा समझ लेनी चाहिए। इसी तरीके से अब इसमें देखिए फिर से दो मैसेज आ गए हैं कि देखिए ऐसे विशाल पेड़ को हम काटते हैं जिसकी जड़ें धरती में इतनी नीचे नीचे गहरी गई हुई हैं। तो सबसे एक आइडिया कि पेड़ को नहीं काटना, और दूसरा कि यदि कोई बुराई है बेटा तो उसको जड़ से उखाड़ के खत्म करना है। तो इसको आप गलत वे में मत लेना कि ट्री बुराई है, ये एक जस्ट एक समझाया है बुराई को खत्म करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और बेटा इसकी जो आपकी जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि तो सिर्फ तीन चार ही क्वेश्चन है। आपकी वर्कशीट 62 इसी के अंदर है बेटा, इस वीक में है ना, तो सैटरडे को जब बारी आएगी 62 इसकी वर्कशीट है बेटा। तो इसके अंदर जो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट द वर्ड दिस रेफर टू, तो ये किसको रेफर करता है? आंसर है आपका हैकिंग एंड चोपिंग। एंड द सेकंड क्वेश्चन, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बाग, क्या है वो? बेटा एलिटरेशन है। और तीसरा क्वेश्चन, द स्टेंजा सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है तीसरा स्टेंजा? वो देखिए आपका ये करता है कि मैच्योर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री, छोटे छोटे जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा, ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है? मैंने आपको भी पोएम में बताया ही था, सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा, द ट्विग्स आर कर्ल्ड, कर्ल्ड है, मुड़े हुए हैं, क्यों है? दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये आपके आंसर भी बेटा हो गए, आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई, और आपके साथ में मैंने वर्कशीट भी करवा दी है बेटा। एक्सप्लेनेशन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, वर्कशीट भी कर लेना, और अच्छी तरह से इस पोएम को समझना। ओके बेटा, थैंक यू।